तो आज हम आपको बताएंगे टेलीपोर्ट एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें आपको आप अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, आप अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, आप उसमें कस्टम बैकग्राउंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप एक एप्लीकेशन के थ्रू कई काम कर सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लर, बैकग्राउंड चेंज, कस्टम हेयर चेंज, एवरीथिंग। तो उसको ओपन करते हैं हम लोग। ये देखिए आपका ये ओपन हो गया। इसमें आपको अगर फ़ोटो डायरेक्ट खींच के अगर बैकग्राउंड उसके बैकग्राउंड को चेंज करना है तो आप कर सकते हैं उसको, और नहीं तो आप उसको अपने गैलरी में से कोई भी एक फ़ोटो ले लीजिए और उस फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए। चलिए हम अपने गैलरी से एक फ़ोटो ले लेते हैं। मैंने ये फ़ोटो ले लिया, मान लीजिए ये फ़ोटो ले लिया। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस ओके पे बटन पे क्लिक करना है, सिंबल पे। अभी क्लिक हो गया, अभी अपना प्रोसेसिंग कर रहा है। तो ये देखिए ये प्रोसेसिंग हो गया। अब आप अपने हेयर को चेंज करना चाहते हैं तो कोई भी कलर लगा लीजिए, हेयर कलर चेंज हो रहा है। चलिए इसे छोड़ते हैं, फिर इस बैकग्राउंड पे आप क्लिक करिए। बैकग्राउंड पे क्लिक करते ही देखेंगे इसके फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज हो गया। ये देखिए क्लिक करिए, जिस पर भी क्लिक करें वो बैकग्राउंड वो कलर आ जाएगा। देखिए देखा दोस्तों आपने, मतलब एक क्लिक में बैकग्राउंड चेंज हो गया। चलिए अब स्क्रीन कलर भी आप स्क्रीन कलर कर सकते हैं, बैकग्राउंड कस्टम में कर सकते हैं। इस तरह बैकग्राउंड कस्टम हो गया, बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो इस पर क्लिक करिए। बैकग्राउंड ब्लर आपको कितना ज़्यादा ब्लर करना है उसको आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ये तीनों काम कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ऐसे इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड।